बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि खबर कानपुर से है, जहां आतंकी हमले में शहीद हुए करण सिंह यादव का शव ना पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए। सात ग्रामीण बीच सड़क पर बैठकर सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया, जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल। वहीं शहीद का अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर में करने का निर्णय लिया, जिसके लिए परिजनों को वहां पर हवाई यात्रा से भेजा जा रहा है। मामला चौबेपुर लोहिया फैक्ट्री के सामने का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां अति संवेदनशील इलाका देहली गेट थाने के सामने चौराहे पर स्थित मस्जिद की दीवार और कांग्रेस के बैनर पर असामाजिक तत्वों ने जय श्रीराम लिखकर माहौल बिगाड़ने की नापाक कोशिश की, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सूचना फैलते ही मौके पर दोनों ही समुदाय के लोग एकत्रित हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस। बता दें कि आला अधिकारियों के आदेश पर आनन फानन में इलाके के पुलिस ने मस्जिद की दीवार पर लिखे जय श्रीराम स्लोगन को जल्द ही हटा दिया। इस मामले पर सपा के पूर्व विधायक जमीरुल्लाह ने आपत्ति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगवाने की मांग की है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के नेता राजा भैया ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की है। थाना देहली गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुझ क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि प्रकरण के संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा दुकान के बराबर में जो मजदूर द्वारा जो लिखा गया था उसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया और दोनों पक्षों में आपस में सौहार्दपूर्ण वार्ता हो गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये 10:15 की बात है, वहां से एक साहब गुजर रहे थे दिल्ली गेट से, तो कुछ लोग 6-7 मस्जिद पर लिख रहे थे जय श्री राम। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी ऐसे ऐसे मस्जिद की दीवार पर जो बाउंड्री की दीवार है उस पर लिखा जा रहा है। उन्होंने वहाँ से मुझे फोटो भेजा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर दिल्ली गेट को फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी नॉलेज में है कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है वहाँ पर? बोले मुझे नॉलेज में नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ 10 के अंदर। मगर ईमानदारी की बात यह है कि इंस्पेक्टर जो दिल्ली गेट है वो 10 के अंदर पहुँच गई और वहाँ पर उन्होंने उसकी जो लिखा था उसको मिटाया और उसको पेंट वेंट करा दिया। लेकिन मेरा कहना ये है, ये कौन लोग हैं जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं? इलेक्शन का वक्त है, थाने के सामने एक चुनौती भरा नारा, ये वो लोग जो शहर के अंदर आग लगाना चाहते हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इन पर NSA लगा के कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाए। देखिए, अलीगढ़ प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, थाने से चंद दूरी पर इस तरीके के धार्मिक स्लोगन लिख करके शहर के माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक स्थान है, आप जय श्री राम लिखिए, जय कृष्ण लिखिए, जो दिलमाय लिखिए, कोई मना नहीं है, लेकिन किसी मस्जिद की दीवार पर और धार्मिक स्थल के आसपास अगर आप सांप्रदायिक नारे लिखेंगे तो उससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होगा और कहीं ना कहीं देश को नुकसान होगा। जिला प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, जिला प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उन अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा मैं ये कहता हूँ 24 घंटे में अगर पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो 24 घंटे के बाद इस मामले में थाना सिविल लाइन में एक तहरीर देंगे और इन अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम बाध्य होंगे। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को खेल मंत्रालय ने रविवार को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है, जिसके साथ खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है, वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं, पहले मुझे देख लेने, केवल सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, अभी कोई कमेंट नहीं।
केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। डब्ल्यू फैक्ट नियम विरोध जो है फैसले लिए गए जल्दबाजी में जो भी है अभी मैं अभी कोई कमेंट नहीं है इसके बारे मैं लेटर अपना देख लेता हूं क्या क्या है क्या नहीं उसके बाद मैं कमेंट करता हूं। प्लीज धन्यवाद अभी नो कमेंट। खबर वाराणसी से है जहां खेल मंत्रालय से कुश्ती संघ को रद्द करने का मामला सामने आया है। बता दें कि WFI के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह के स्वागत के लिए अभी भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। वहीं वाराणसी में संजय सिंह के स्वागत की होर्डिंग पहले लगाए गए थे और अब हटाए जा रहे हैं। तो वहीं संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में विपक्ष ने हंगामा किया और संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव से इंडिया वॉइस के संवाददाता अजीत कुमार ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। मामले में जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और उसके बाद विपक्ष के खिलाफ जिस तरीके से सांसद के निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद इंडिया गठबंधन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए उतरा, इसी मुद्दे को तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पंजाब के अभी नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव जी, जिनसे हम बात करें। सबसे पहले तो बधाई पंजाब की नई जिम्मेदारी के लिए। किस तरीके से देखते हैं लगातार जो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है? सबसे पहले तो क्योंकि कल ही एक नए ऑर्डर के तहत मुझे पंजाब की जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहले मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुनः एक बार विश्वास जताया कि पीरों और गुरुओं की धरती पर काम करने का मौका दिया। साथ साथ जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से लोकतंत्र की हत्या हमारे सामने बिल्कुल नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। घटना के अगले दिन ही स्पीकर का जो बयान आया कि ये मुद्दा सचिवालय से जुड़ा है ना कि सरकार से, उसके बाद भी लगातार गृह मंत्री और PM का बयान की मांग करना, क्या लगता है कितना उचित है? देखिए, गृह मंत्री ओवरऑल सुरक्षा की जिम्मेदारी का अगर किसी के पास है तो वो गृह मंत्री के पास है और गृह मंत्री इससे बच नहीं सकते। एक गृह मंत्री जब पोर्टल्स पे जाके न्यूज़ चैनल्स पे जाके तो उस बारे में बयान दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पर पूरे देश की पंचायत लगी है और लगातार विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि आप अपना वक्तव्य दीजिए, तो वो क्यों बचना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं? ये सरासर लोकतंत्र को पूरी तरीके से डेमोलिश करने की साजिश है और लगातार कमज़ोर करने की कोशिश है। लगभग 150 लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को निलंबित कर दिया जाता है। आज मीडिया भी कहीं ना कहीं इस दबाव में है कि सरकार किस तरफ देखना चाहती है, क्या सुनना चाहती है, वो माउथपीस बन के रह गए हैं। तो हम इस बात को बार बार पुनः यही बात कहते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या पर कहां पर क्या कर रहे थे। पार्लियामेंट में किस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, मिमिक्री की जाती है, तब तो चर्चा नहीं आती। आज जब सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोग घुसाए हैं, उसके ऊपर वक्तव्य देने से तो कतरा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको डाइवर्ट किया जाए, तो ये लोकतंत्र में चलेगा नहीं। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और मजबूती के साथ निभाएगा। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उतरे, अब क्या अगला कदम होने वाला है इस तमाम चीजों को लेकर? वो लीडरशिप डिसाइड करेगी और जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो संसद सुरक्षा चूक मामले में लगातार जो प्रकरण चल रहा है उस पर आगे किस तरह से इंडिया गठबंधन मिल करके रणनीति करेगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में जमीनी विवाद में युवक को गोली मार दी गई जिसकी हालत फिलहाल अभी गंभीर है। दरअसल युवक खेत पर गया था जहां दबंगों ने उसे गोली मार दी। वहीं खबर मिलने पर गांव में पुलिस ने पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में लग गई है पुलिस। मामला फतेहपुर से है जहां जांच कराने आई महिला के पैथोलॉजी संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बता दें कि
पति के आने पर पीड़ित ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पति ने पैथोलॉजी संचालक की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने पैथोलॉजी संचालक शैलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। कल दिनांक 23/12/23 को रामचंद द्वारा पुष्पांजलि पैथोलॉजी के संचालक द्वारा इलाज के बहाने उनकी पत्नी के साथ गलत काम करने की तहरीर सूचना दी गई एवं आरोप लगाए गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं यूपी के हरदोई में डीजीपी की मित्र पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। महज रास्ते से बाइक हटाने के लिए कहने पर पुलिस सिपाहियों ने एक बैंक कर्मी को डंडे और पट्टे से जमकर पीट दिया। पीड़ित के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने उसे डंडे और पट्टे से जमकर पीटा और फिर सुबह बगैर मेडिकल कराए ही उसका चलान कर दिया। वहीं पुलिस के इस थर्ड डिग्री टॉर्चर से बैंक कर्मी डर गया है, सहम गया है। साथ ही बैंक कर्मी ने दोषी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा है, मैं कौशलपुरी का रहने वाला हूं। मैं अपने घर अपनी फोर व्हीलर से आ रहा था, पड़ोस में ही कोतवाली पड़ती है तो कई सिपाहियों की या दरोगा की गाड़ियां मेन रोड पे खड़ी थी, जिनको मैंने उनसे कहा कि वहां से हटा दीजिए तो जिससे मेरी गाड़ी घर तक पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कानून मत सिखाइए, गाड़ी अपनी यहीं खड़ी कर दीजिए। तो हमने कहा कानून सिखा नहीं रहा हूँ, मैं केवल रास्ता खाली करने कह रहा हूँ। इतने ही बीच में जहाँ तक मुझे महसूस हुआ है कि वो लोग शराब पिए हुए थे, कमरे से 8-10 लोग निकले और सीधे मुझे उठा के कोतवाली ले गए। सबने मुझे बहुत मारा, इवन मुझे पोटी तक हो गई। उसके बाद मुझे रात भर कोतवाली में रखा, 151 की धारा बना के मेरा चालान काटा, बिना मेडिकल के ही मेरा जमानत करा दी गई और मैं इस समय घर पर बैठा हुआ हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ पुलिस के डर से। क्या मैं भारतीय लोकतंत्र में रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कृपया मुझे उचित न्याय। हमीरपुर के जनपद के महागांव थाना क्षेत्र में घर में घुसे चोरों ने महिला को गोली मार दी। आपको बता दें कि देर रात चोरी के इरादे से घुसे चोरों को देखकर महिला के चिल्लाने पर गोली मार दी, जिसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि महिला की जांग में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल जरूर हुई है, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है, लेकिन डॉक्टर ने हालत गंभीर होने पर महिला को झांसी रेफर कर दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, जांच में जुट गई है। तो वहीं फतेहपुर से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां स्कूल से घर लौट रही 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि ई रिक्शा चालक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया यह भी जा रहा है कि घर छोड़ने के बहाने खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद छात्रा के खेत में बेहोशी के हालत में मिलने पर छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू करने की बात कही गई है। कस्बा जहानाबाद थाना जहानाबाद के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी एक नाबालिग पुत्री जो स्कूल पढ़ने गई थी और स्कूल से जब वो वापस नहीं आई तो उसके द्वारा पता किया गया। तो शाम के 5 बजे करीब वो लड़की मिली तो उसने बताया कि एक ऑटो रिक्शा चालक ई रिक्शा चालक राजू उसे बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया गया। उसके बाद उसकी तहरीर के आधार पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां देश के पहलवानों के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और अपनी नाराजगी जाहिर। वहीं युवा कांग्रेस ने कुश्ती संघ में बृजभूषण शरण सिंह के साथी की जीत पर सरकार को आड़े हाथों लेने से पीछे नहीं। तो
वहीं संभल के प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर में राम मंदिर के लिए यज्ञ किया गया, जहां मंदिर में मासिक यज्ञ के मौके पर राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं ने आहुति दी। साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन पर 22 जनवरी को इस मंदिर में दीपावली भी मनाई जाएगी। कल्कि भगवान महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।